सो हाय गाइस, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। कैसे हो सभी यार? बहुत दिनों के बाद, अप्रोक्स 1 वीक हो चुका है आपसे मैं कनेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ। गाइस, आप डायरेक्टली सीधे मुद्दे की बात करते हैं, काफी समय हो गया यार। सो गाइस, आज जो मैं जॉब वैकेंसी लेके आया हूँ वो आ रही है अमेजोन की तरफ से, जो एक मल्टीनेशनल अमेरिकन ब्रांड है। यहाँ पे हायरिंग चल रही है इंटरनेशनल फोन नो इनवॉइस इन पुणे। दोस्तों, जो बच्चे पुणे के हैं या नागपुर के हैं या फिर उस जगह पे जा सकते हैं नौकरी करने के लिए, उनके लिए स्पेशली जॉब वैकेंसी निकली हुई है इंटरनेशनल फोन्स के लिए। यानी कि आपके जो कस्टमर्स होने वाले हैं वो रहेंगे अमेरिका से, कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से। तो आपकी जो इंग्लिश की जो फ्लुएंसी है, ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ पर नॉर्थ में इंग्लिश को इंग्लिश बोली जाती है, तो जो इंग्लिश की फ्लुएंसी है वो अच्छी होनी चाहिए। आप इंग्लिश बिल्कुल फटाकेदार बिल्कुल आपको बोलने आनी चाहिए। छोटी छोटी ग्रामर ग्रामर मिस्टेक्स हो जाए वो कोई दिक्कत की बात नहीं है, इतना कोई भी ध्यान नहीं देता है। सबको पता है कि इंडिया में कोई इतनी परफेक्ट इंग्लिश नहीं बोली जाती है, ना ही बाहर बोली जाती है। और दोस्तों, ये जो वैकेंसी रहने वाली है, ये रहने वाली नागपुर और पुणे के वालों कैंडिडेट्स के लिए, जो बच्चे वहां पे रह रहे हैं या फिर वहां पे जॉब करने के लिए जा सकते हैं अपने घर से, ठीक है। तो आपको नागपुर में या पुणे में जाके इस जॉब को करना है। लोकेशन रहेगी आपकी वर्क फ्रॉम होम नौकरी, यानी कि आपको उस जगह पे जाना है लेकिन आपको नौकरी घर से ही करनी है, मतलब आपको ऑफिस नहीं जाना है, अमेजोन का ऑफिस आपको ज्वाइन नहीं करना है। आपको नागपुर या फिर पुणे में ही कोई फ्लैट वगैरह या फिर कोई पीजी लेकर आपको वहीं पे नौकरी करनी है। कंप्यूटर वगैरह, सिस्टम वगैरह सब कुछ कंपनी दे देगी। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या क्या सैलरी रहने वाली है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, कौन कौन से राउंड्स इसके बीच में होने वाले हैं। तो दोस्तों, स्क्रीन पे सबसे पहले आप देख रहे हो, यहाँ पे लिखा हुआ है सैलरी 2,75,000 से 3,50,000 पर एनम, यानी कि सालाना आपकी 2,75,000 से 3,50,000 के बीच में सैलरी रहने वाली है। अगर मैं मोटा मोटी करूं तो आपको इन हैंड जो हाथ में आने वाला वो लगभग 24 से 25 हजार रुपए इन हैंड आपको आने वाले हैं, ठीक है। अब दोस्तों, 24 से 25 हजार नहीं, इससे ज्यादा आएंगे। कैसे आएंगे मैं आपको बताता हूँ। अगर दोस्तों मैं इसको थोड़ा स्क्रॉल डाउन नीचे करता हूँ तो आप स्क्रीन पे यहाँ पे देख रहे हो कि बेनिफिट क्या है, एनएसए, ओटी एंड मील कॉल। एनएसए होता है नाइट शिफ्ट अलाउंस। सपोज करो कि आपकी नौकरी लग जाती है और आपकी जो शिफ्ट होती है, काम करने का जो शिफ्ट होती है, वो आपकी रात को होती है। दोपहर के 3 बजे के बाद जो भी शिफ्ट होती है वो नाइट शिफ्ट में गिनती की जाती है। सपोज करो आपकी आपकी शिफ्ट जो होती है सुबह शाम के 5 से लेके रात के 2 बजे तक होती है, तो आपको नाइट शिफ्ट अलाउंस मिलेगा। और कितना मिलेगा? 1 दिन का 150 रुपया। अगर आप महीने में काम करते हो तो लगभग आप 3,300 से 3,400 रुपया ये बना लोगे, यानी कि 24,000 प्लस ये कितना बना, 27,500 रुपये, ठीक है। और उसके बाद में अगला आता है ओटी। ओटी यानी कि ओवर टाइम। कभी कभी डिमांड होती है ओवर टाइम की, तो आपके मैनेजर्स होते हैं या फिर लीडर्स होते हैं, वो आपको बताते हैं कि ओटी की डिमांड है, क्या आप ओवर टाइम करना चाहोगे। और अगर आप ओवर टाइम करते हो तो आपको 2 दिन की सैलरी मिलती है। सपोज करो आपने आज ओवर टाइम किया तो आपको 2 दिन की सैलरी मिलेगी। सपोज करो कि आपकी सैलरी 1 दिन की 500 रुपये है तो 2 दिन की होगी 1,000 रुपये, ठीक है। तो लगभग दोस्तों सैलरी लगभग आपकी 26 से 27 हजार के आसपास आने वाली है। बहुत ही अच्छी नौकरी है दोस्तों। मैं इस कंपनी में काम करता हूँ, मुझे 1 साल 1 महीना हो गया, यानी कि 13 महीने काम करते हो चुके हैं सिमिलर फील्ड पे। तो दोस्तों मुझे बहुत इसके इस कंपनी के लिए कोई भी कॉन्स नहीं है, कोई भी इसमें डिसएडवांटेज नहीं लगी मुझे अभी तक। मैं आपको एक सच बात बोल रहा हूँ, बिल्कुल वर्कलोड नहीं होता है, बस आपको अपना 100% देना है, ठीक है। एजुकेशन की बात करो तो सिंपली 12th पास रखा गया। कोई भी 12वीं उत्तीर्ण बच्चे जिन्होंने 12वीं पास कर ली है किसी भी बोर्ड से, चाहे स्टेट बोर्ड हो, सेंटर बोर्ड हो, आईसीएसई बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड हो, कितनी भी परसेंटेज हो, आपके 12th में चाहे 33% अंक हो, 40 हो, 50 हो, 200 हो, 100 हो, जितने भी अंक हो सब चलेगा। मिनिमम 12th पास रखा गया है, और अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है तो आपको थोड़ी सैलरी ज्यादा मिल जाएगी एज कम्पेयर टू 12th पास वाले बच्चे की, ठीक है। अब दोस्तों मैं बताता हूँ कि कैसे कैसे क्या क्या करना है आपको, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले आपके पास इस के लिए आपके पास एक लैपटॉप या फिर कंप्यूटर होना चाहिए, ठीक है। अगर आप दोस्तों आपके पास लैपटॉप नहीं है या फिर कंप्यूटर नहीं है तो प्लीज उसका जुगाड़ कर लें, क्योंकि दोस्तों आपका जैसे ही आप अप्लाई करोगे आपका एग्जाम होगा। एग्जाम कैसे होगा? आप जैसे ही अप्लाई करोगे
आप अपना रिज्यूमे अपलोड करोगे तो आप ही के रिज्यूमे में जो आपकी ईमेल एड्रेस होगा उसके ऊपर आपको मेल आएगी फ्रॉम अमेजोन रिक्रूटमेंट टीम। आपको उस लिंक को क्लिक करना है एंड आपको एग्जाम देना है। जो एग्जाम होगा वो लैपटॉप या पीसी पे होगा और आपका वेबकैम चलना चाहिए। वेबकैम का मतलब कि जैसे कि आप मुझे देख पा रहे हो कि मेरे लैपटॉप से मैं वीडियो बना रहा हूँ और मेरा कैमरा से मेरे वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। तो अगर आपके पास लैपटॉप है या पीसी है जिसके साथ वेबकैम अटैच है तो दोस्तों आप इस एग्जाम को दे सकते हो। अगर आपके पास लैपटॉप या फिर वेबकैम पीसी नहीं है किसी दोस्त का ले लीजिएगा, जुगाड़ कर लीजिए एग्जाम को देने के लिए। एक दिन की बात होती है, एग्जाम चलता है लगभग 2.5 से 3 घंटा, 3 घंटे एग्जाम चलता है। सैलरी बहुत अच्छी है, बेनिफिट बहुत अच्छे हैं। हफ्ते में 5 दिन काम होने वाला है, यानी कि सिर्फ आपको हफ्ते में 5 दिन काम करना है, 2 दिन छुट्टी रहेगी एंड बहुत ही अच्छी नौकरी दोस्तों मेरी मानो। सैलरी भी अच्छी है, वर्क फ्रॉम होम है, घर से नौकरी कर सकते हो आप, ठीक है, आपको ऑफिस नहीं जाना है, ठीक है। तो दोस्तों ये कुछ चीजें हैं, अब मैं बताता हूँ आपको किस तरीके से कैसे कैसे आप अप्लाई करोगे। दोस्तों स्क्रीन पे आप देख रहे हो यहाँ पे अप्लाई, तो इस पे जब आप क्लिक करोगे, आपने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद दोस्तों स्क्रीन पे आपके सामने कुछ इस तरीके से आएगा रजिस्ट्रेशन, ठीक है। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे लिखा हुआ है कस्टमर सर्विस एसोसिएट पुणे, तो यहाँ पे आपको अप्लाई करना है। अप्लाई पे क्लिक करोगे तो जैसे अप्लाई पे क्लिक किया दोस्तों, ठीक है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, सिंपली आप जाके यहाँ से डायरेक्ट कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि आपकी जो प्रोफाइल है वो कंसीडर, यानी कि आपको वो लें, चांसेस ज्यादा होते हैं क्योंकि अगर मैं अपनी रेफरेंस डालता हूँ तो आपको ज्यादा लेंगे। तो सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पे अपना पहला नाम डाल देना, अपना लास्ट नेम, ठीक है, ईमेल एड्रेस क्या है आपकी, मोबाइल नंबर क्या है, डेट ऑफ बर्थ मेल हो फीमेल हो, आपकी मदर टंग क्या है, आपकी माँ बोली क्या, आप कौन सी लैंग्वेज बोलते हो वो सिलेक्ट करके डाल देनी है। हिंदी बोलते हैं हिंदी लिख देना, इंग्लिश बोलते हैं इंग्लिश लिख देना, कोई भी लैंग्वेज आप कर सकते हो। क्या आप डिसेबल हो, क्या आप आर्थिक मतलब आप डिसेबल हो, आपके कोई ऐसा बॉडी में कोई फ्रैक्चर वगैरह है, कोई आपकी लार टूटी है, कोई मतलब उस तरीके से अगर हो आप डिसेबल हो तो आप लाचार हो तो आप इसको यस और नो कर सकते हो। सिटीजनशिप आप इंडियन हो या कहीं और से हो, आपका पूरा एड्रेस, आपकी सिटी स्टेट पिन कोड, ठीक है, और क्या आप इस लोकेशन में जाने के लिए रेडी हो, और जाने के लिए रेडी हो तो आप यहाँ पे करें नो विलिंग टू रिलोकेट, और अगर आप पहले से इस लोकेशन पे रह रहे हो तो यस करें, ठीक है। हाईएस्ट एजुकेशन क्या है आपकी, ठीक है, वो सिलेक्ट करना है। एक्सपीरियंस अगर आपको है तो ठीक है, नहीं तो फ्रेशर पे सिलेक्ट कर लेना। इसके बाद जितने भी ये हैं अदर डिटेल्स में, जितना मैं बता रहा हूँ ये जो अदर डिटेल्स वाला पोर्शन है सब में यस करना है, ठीक है, सिवाय इसको छोड़ के। हैव यू एवर बीन एट एम्प्लॉयड एज अमेजोन, क्या आप कभी अमेजोन में नौकरी कर चुके हो, अगर आप कर चुके हो तो यस करना और नहीं करिए तो नो करना। क्या आपके पास सेविंग बैंक अकाउंट है, ठीक है, क्या आपके पास वायर कनेक्शन है तो यहाँ पे यस कर देना, ठीक है, पैन कार्ड है तो यस कर देना, नहीं है तो नो कर देना, आधार कार्ड है तो यस कर देना, नहीं तो नो कर देना। फिर अपना पासपोर्ट साइज फोटो आपको अपलोड करना है, आई अग्री पे सिलेक्ट करना है एंड उसके बाद आपको सबमिट कर देना है, ठीक है, इतना सा आपको काम करना है। ओके, बस इतना सही आपको काम करना, कोई ज्यादा काम नहीं है। और दोस्तों जिन जिन बच्चों को ईमेल आएगी अमेजोन की तरफ से तो प्लीज मुझे बताइएगा, मेरे साथ शेयर कीजिएगा दोस्तों, ताकि मैं भी अपडेट दे सकूं टीम को, ठीक है। तो दोस्तों ये थी वैकेंसी अमेजोन में एज अ वर्चुअल कस्टमर सपोर्ट फॉर पुणे लोकेशन, ठीक है, इंटरनेशनल वॉइस प्रोसेसर। अगर आपकी लैंग्वेज बहुत अच्छी है, फ्लुएंसी बहुत अच्छी है इंग्लिश में, तभी अप्लाई कीजिएगा, नहीं तो दोस्तों आप रहने दीजिएगा, आपसे एग्जाम ही नहीं क्लियर हो पाएगा। एग्जाम बहुत टफ होता है, मैं आपको पहले बता रहा हूँ, खासकर अमेजोन का बहुत टफ एग्जाम होता है। तो दोस्तों ये थी आज की मेन अपडेट इन अमेजोन। आई होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। जय हिंद, जय भारत।